15 ऑगस्ट 2022 आज़ादीला 75 वर्ष गाठ झालेली आहे। या निमित्त पूर्ण देशवासियांना आज़ादीच्या महोत्सवानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा देतो। खबरों का लगातार पीछा कर एकत्र करने वाले अखबार के संवाददाताओं ने भंडारा शहर में एक अनूठी उपस्थिति दर्ज कराई। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पत्रकारों ने एक साथ मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली और पत्रकार भाइयों के घर जाकर तिरंगा फहराया। अंत में जिलाधिकारी व जिला पुलिस अधीक्षक को तिरंगा भेंट कर रैली का समापन किया गया। देश के प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान को 13 से 15 अगस्त तक लागू करने की अपील की थी। इसके जवाब में 13 अगस्त 2022 को भंडारा शहर के विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों ने एक साथ आकर शहर में पत्रकार मित्रों के घरों पर तिरंगा फहराने का कार्यक्रम रखा। यात्रा सुबह 7 बजे बहिरंगेश्वर मंदिर क्षेत्र से शुरू हुई। हर पत्रकारों ने पत्रकार भाइयों के घर जाकर तिरंगा फहराया। यात्रा को लेकर शहर में देशभक्ति का माहौल बन गया था। जिलाधिकारी संदीप कदम और पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी को तिरंगा भेंट कर यात्रा संपन्न हुई। यात्रा के दौरान राष्ट्रीय वीरों के पुतलों पर माल्यार्पण किया गया। पत्रकार भाइयों की ओर से शहर में पहली बार इस तरह का अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी ने भी कार्यक्रम की सराहना की। इस अभियान में दीपेंद्र गोस्वामी, शमशेर खान, विजय निचकौड़े, ज्ञानेश्वर मुंडे, विजय खंडेरा, नंद किशोर परसावर, दीपक फुलबांदे, सागर भंडारकर, राजू मस्के, प्रतीक तंबोली, मिलिंद हड़वे, चंद्रकाश त्रिकोणवार, इंद्रपाल कटकवार, अनिल आकरे, उदय राउत, गोवर्धन निनावे, राकेश टेटुले, विजय क्षीरसागर, अमित गिरेपुंजे, निहाल भूरे, शुभम देशमुख, इनके साथ ही अनेक बंधुओं ने सहभाग लिया।